पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद अशरफ गनी अफगानिस्तान वापस आ सकते हैं, ऐसी खबर मिल रही है। आपको बता दें कि तुलू न्यूज की पत्रकार ने दावा किया है कि वहां के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद अशरफ गनी अफगानिस्तान वापस आ रहे हैं। पत्रकार ने दावा यह किया है कि तालिबान और दूसरे राजनेताओं के बुलाने पर वो वापस आ रहे हैं। तो राष्ट्रपति अशरफ गनी जो कि अफगानिस्तान छोड़कर दूसरे देश जा चुके थे, लेकिन आप खबरें मिल रही है कि वो वापस आ सकते हैं। अमित पांडे का हम रुख कर लेते हैं। अमित, इस खबर में कितना सच, क्या वाकई वापस आ सकते हैं अशरफ गनी अफगानिस्तान? जी, इससे पहले अशरफ गनी के जो भाई हैं वो तालिबान का साथ पकड़ चुके हैं और इसके बाद अब इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है कि अशरफ गनी वापस आ सकते हैं। अब क्योंकि तालिबान से जो सुरक्षा का जो खतरा है वो भी अब कम से कम अशरफ गनी को तो नहीं होगा, लेकिन अब ये सवाल उठता है कि किस वक्त वो वापस आएंगे, किन परिस्थितियों में वापस आएंगे, और वापस आएंगे तो उनका उनकी सत्ता में और मौजूदा प्रशासन में भागीदारी क्या होगी। तो इन सारी बातों का भी गहरे बादल है और सबसे पहले तो इसी बात का इंतजार करना होगा कि किस सूरत में और कब कैसे गनी अफगानिस्तान वापस आते, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी छवि इस पूरे के पूरे प्रकरण में बहुत ज्यादा अभी धूमिल हो चुकी है। बिल्कुल, छवि तो धूमिल हो चुकी है, लेकिन अब देखना होगा कि किन परिस्थितियों में अशरफ गनी वापस आते हैं अफगानिस्तान। अभी तो आप बने रहिए हमारे साथ, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि तालिबान ने अफगानिस्तान में अपनी क्रूरता की सारी हदें पार कर दी है। तालिबान ने गायक की हत्या कर दी है। गायक का नाम फवाद बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक फवाद अपने गाने के जरिए आतंकी समूह के खिलाफ लोगों को प्रोत्साहित कर रहे थे। सूत्रों के मुताबिक यही वजह है कि तालिबान के सदस्य काफी समय से उनकी तलाश में थे और आखिर में तालिबान ने सिंगर को खोज निकाला और उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। तो आप देखिए, उन तमाम लोगों को मौत के घाट उतारता हुआ नजर आ रहा है जो कि तालिबान के खिलाफ विरोध के सुर को तेज करता हुआ दिखाई देता है। और ऐसे में अब एक गायक फवाद को भी मौत के घाट उतार दिया गया। काबुल में जंग लगातार जारी है, रोज परिस्थितियां बदलती हुई नजर आ रही है। आम लोगों के साथ साथ उन लोगों को सबसे ज्यादा अपने टारगेट पर तालिबान ले रहा है जो कि लगातार तालिबान के खिलाफ रणनीति बनाने में जुटा हुआ है। और अफगानिस्तान से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट पर खतरे की आशंका जताते हुए अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए सुरक्षा अलर्ट जारी किया है। अमेरिका ने खतरे को देखते हुए काबुल एयरपोर्ट के आसपास के अपने नागरिकों को एयरपोर्ट इलाके से निकल जाने की अपील की है। व्हाइट हाउस की तरफ से जारी एक स्टेटमेंट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शक जताया है कि काबुल एयरपोर्ट पर 24 से 36 घंटों के अंदर एक बार फिर आतंकी हमला हो सकता है। इससे पहले 26 अगस्त को आपने देखा कि किस तरीके से काबुल एयरपोर्ट पर आत्मघाती हमला हुआ जिसमें कई लोगों की जान गई, 170 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी, इनमें 13 अमेरिकी सैनिकों की भी मौत हुई थी। और इस घटना के बाद अमेरिका ने 48 घंटों के अंदर ISIS खुरासान के ठिकानों पर ड्रोन से हमला भी किया और आतंकी हमले के मास्टरमाइंड को मार गिराने का दावा भी अमेरिका की तरफ से किया गया। और काबुल से इस वक्त एक और बड़ी खबर मिल रही है, वहां तालिबान राज के बाद मची अफरा तफरी के बीच अब बैंकों के बाहर पैसे निकालने के लिए लोगों की भीड़ जुटती हुई दिखाई दे रही है। खबर है कि वहां लोग एक हफ्ते में बैंकों से सिर्फ $200 ही निकाल सकते हैं, जिसके बाद अब बैंकों के बाहर लोगों की लंबी लाइन लगी हुई है। आपको बता दें कि देश में जारी हंगामे के बीच तालिबान ने बैंकों को एक खाते से एक हफ्ते में सिर्फ $200 देने का आदेश दिया था और ऐसे में हर कोई पैसे निकालने के लिए लाइन में खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एक दिन में $200 निकालने की इजाजत दी गई है। दूसरी तरफ आप देखिए, आर्थिक तंगी भी लोग झेल रहे हैं। न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिव तस्वीर अफगानिस्तान के काबुल के बैंक और एटीएम की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से लंबी लंबी कतारें लगी हुई है लोगों की, सड़कों पर ही लोग इंतजार करने को मजबूर हैं। अमित पांडे हमारे सहयोगी लगातार मौजूद है इसी खबर पर। अमित, सवाल यही है, काबुल एयरपोर्ट पर जिस तरीके से धमाके हुए उसके बाद अफरा तफरी मची, फिर अमेरिका की तरफ से अब ये दावा किया गया है कि देखिए अभी भी खतरा है, तालिबान क्रूरता लगातार कर रहा है, ऐसे में लोगों की सुनने और उन तक मदद पहुंचाने के लिए कौन आगे आ रहा है? देखिए, इसी का सवाल रिदिका भी किसी के पास भी नहीं है और अंततः नतीजा क्या निकल रहा है, अब भुगतना सिर्फ और सिर्फ जनता को पड़ रहा है। एक हफ्ते में
$200 निकालने की जो आदेश जो जारी किया गया है, अंदाजा लगा सकते हैं कि उस जगह की अर्थव्यवस्था का आलम क्या है। पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो फंडिंग है वो अफगानिस्तान में पूरी तरीके से ब्लॉक हो चुकी है, और अब जब आम नागरिक वहां पर चीजों की कीमतें पहले से ही बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, तब जब उनको पैसे तक निकालने की उन पर इतनी ज्यादा पाबंदी हो गई है, तो उनको आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। और फिलहाल इसका कोई सोल्यूशन या फिर राहत दिखती भी अभी नहीं नजर आ रही है। जी ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा, अमित आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु के दौरे पर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अफगानिस्तान पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में बने हालात ने आज हर एक देश को अपनी रणनीति पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। अफगानिस्तान में बदलते इक्वेशंस एक बहुत ही, इसे मैं एक चुनौती मानता हूं अपने लोगों के लिए भी, और इन परिस्थितियों ने आज हमारे देश को अपनी स्ट्रेटेजी पर सोचने के लिए मजबूर किया है। इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा, हम अपनी स्ट्रेटेजी में बदलाव ला रहे हैं। क्वेड का फॉर्मेशन, जो कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान को मिला जुला करना है, इसी स्ट्रेटेजी के अंतर्गत ही इसका फॉर्मेशन किया गया है, इस क्वेड का। साथियों, नए युग में नेशनल सिक्योरिटी के हरेक डायमेंशन को जब तक एक फ्रेम में रखकर नहीं देखा जाता है, तब तक इसके खतरे हमारे लिए सदैव बने ही रहेंगे। और ब्रिटेन के सैनिक शनिवार को काबुल से विमान के जरिए रवाना हो गए हैं। इसके साथ ही ब्रिटेन ने अफगानिस्तान में अपना बचाव अभियान खत्म कर दिया है। ब्रिटेन के मुताबिक पिछले दो हफ्तों में काबुल से 14,500 से ज्यादा लोगों को निकाला गया है। वहीं अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक काबुल हवाई अड्डे से 1,00,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। काबुल एयरपोर्ट पर हुए धमाकों में एक बच्चे समेत ब्रिटेन के 3 लोग मारे गए थे। और ऐसे में अब आप देखिए ब्रिटेन के सैनिक किस तरीके से अब काबुल एयरपोर्ट से रवाना होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन अलग अलग देशों की तरफ से किया जा रहा था, उस ऑपरेशन को ही रोकने के लिए काबुल एयरपोर्ट पर सिलसिलेवार तरीके से कई बम धमाके हुए। और ऐसे में अपने लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के बाद अब ब्रिटेन की सेना भी वापसी करती हुई